ऐसी बहू नहीं चाहती थी, इससे अच्छी बहू चाहती थी। बहुत तारीफ की, नहीं लड़का माशाल्लाह बहुत अच्छा है, लेकिन बाद में इनका रंग असली मालूम पड़ा मेरे को कैसा है। सुना है मेरा, तुमने मेरे को मना किए थे। अभी दो साल में दानिश मेरे को कैसा लगने लगा, कैसा था, इज्जत करता था, चल हम कर अभी बोलो क्या है कोई नए ब्लॉग के साथ। और जैसे कि आप लोगों को पता है हमारी एनिवर्सरी आने वाली है, तो कल हल्दी थी तो मैंने शॉर्ट्स डाली थी हल्दी के हमारे, और आज मेरी मेहंदी थी, मेरे को लगाना था मेहंदी बट मैंने नहीं लगाई क्योंकि आइजल है तो मेरा मन नहीं होता, क्योंकि फिर उसको वो आती है चिपकती है तो फिर मेहंदी खराब हो जाएगी और एकदम चिड़चिड़ी हो जाएगी। इसके लिए मैंने सोची कि नहीं लगाओ, इंशाल्लाह से कोई जब बड़ी हो जाएगी तब लगाओगी या तो कुछ फंक्शन दिया तब लगाओगी। तो आज मेहंदी है, तो कल हमारी थी, कल को छोड़ के परसों हमारा है एनिवर्सरी का दिन। तो मैं आज सोची कि दो साल हो गए हैं, वो साल तो मेरी प्रेगनेंसी में गए थे तो उन्होंने इतने अच्छे से नहीं बनाए थे, तो ये साल इंशाल्लाह से हम लोग अच्छे से बनाने वाले हैं क्योंकि हमारे साथ ही बेबी है। पहले ईयर में आइजल हो गई थी, आइजल के बाद वो टाइम में प्रेगनेंट थी, दूसरी एनिवर्सरी में आइजल आ गई हम लोग के पास। तो आज हम लोग करने वाले हैं एक पॉडकास्ट, मतलब एक इंटरव्यू टाइप रहेगा हमारा या ब्लॉग। तो मेरे माँ बाप से मैंने आज तक की ये सब चीज़ों से बात नहीं की और ना ही दानिश ने इन सब चीज़ों से बात किया था, क्योंकि हमने डायरेक्ट बोल दी थी कि हम लोग को शादी करना है, अंदर की बातें वो सब आप लोग को भी नहीं पता है। तो मैंने सोची कि आज मैं लेती मेरे माँ बाप का इंटरव्यू और मेरे सास ससुर का इंटरव्यू। तो इंटरव्यू ऐसा रहेगा, मैं मेरे अब्बा मम्मी से पूछूंगी कि तुम लोगों ने दानिश के साथ मतलब क्या क्या फील हुआ है, कैसा हाँ बोले, क्यों हाँ बोले, क्या देखे उसके अंदर, क्या नहीं देखे, क्या चीज़ पसंद है, क्या चीज़ नहीं पसंद है, दानिश के बारे में इधर बात होगी, मेरे बारे में दानिश के घर पे बात होगी। ठीक है, बटन गिरे तुम्हारा, इतना चालू हो गया तो बनी नहीं हो रहे। अरे मैं फ्लो में बोलती हूँ ना, तो मैं रुक नहीं पा रही। ऐसे हमारे बचपन में ना बच्चे लोग को ना शक्कर चढ़ाए थे, इसको चटा कब चटाओगे, कहाँ है वो, दो चटा दो अभी। हाँ मेरे से फास्ट बटन जो है म्यूट का बटन नहीं है ना, वो सुफियान के अंदर, वो मेरे से ज्यादा फास्ट बोलता है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, चलो क्या कर रहे आज तुम्हारे बारे में बात होने वाली है इधर। क्यों अच्छा भी होगी तभी तो हाँ बोले ज्वाला लोग, तो है मेरे लिए अच्छा निकलेगी, जो फटके निकलेगी, इतना भरोसा नहीं तुम लोग पे, देखो ज्यादा फटेंगे वो, नहीं बहुत ज्यादा फटेंगे वो लव मैरिज के खिलाफ थे। चलो तुम लोग पहले अपनी कथक ले लो, अपन कैमरा सेट करते चारों बैठते, ठीक है, अपनी पोजीशन ले लो कैसा। यस कैमरा सेट कर दो, चलो कैमरा सेट हो चुका है तो अभी स्टार्ट करते हैं। चलो तो सबसे पहला पीछे आंटी पीछे आराम से, एक गैप पीछे, हां नाटेगा पीछे ले आप बच्चों झूला कर लो। चलो चलो माइक दे लो। तो गाइस चलो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस स्टार्ट करते हैं अभी, चलो पहला क्वेश्चन पूछो। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये रहेगा मम्मी के लिए, तो गाइस जब मैंने मम्मी को बताई थी दानिश के बारे में तब तुम्हारा रिएक्शन कैसा था, मतलब तुम, मेरे को तो पता होगा रिएक्शन कैसा था बट दिल में तुम क्या सोच रहे थे कि मेरी बेटी कहाँ फंस गई, मेरी बेटी कौन सा लड़का पसंद करी, ऐसा क्या था तुम्हारे दिल में। पहले पहले तो मतलब मैंने तुमको बताई ना तब, मतलब तुम वो हो गई कि मैं अपा को अपनी फोन लेकर बता देती हूँ, तुम क्या क्या हरकतें कर रही है, तेरी स्कूल बंद, तेरी कॉलेज तो किधर जाने नहीं मिलेगा, बहुत गुस्सा करने लगी थी मैं। फिर बाद में ना मैंने ना उसकी फ्रेंडों को फोन लगाई सबको कि कौन है वो, कौन कौन नहीं है, तो लोग सब जा रहे होते हम लोग को नहीं मालूम, हम लोग को नहीं मालूम कौन है, हम लोग को नौशी सीधी है, नौशी एकदम कुछ नहीं है। फिर बाद में इसने अपने मुँह से ही बताई कि नहीं बोले ये एक लड़का, मैंने लगा अभी कभी फोन लगा और सीधा मैंने फोन लगाई दानिश को और सीधा भड़की मैं, बोले क्या है ये सब नाटक, बोले नहीं आंटी मैं शादी करना चाहता हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं सीधा हूँ, मैंने ये सब तो बाद में पता चलेगा, पहले मैं देखूंगी, पहले तुम्हारे माँ बाप से मिलूंगी फिर बात करूंगी। फिर बाद में मतलब ये नहीं सोचे तुमने कि मेरी लड़की कहाँ फंस गई, नहीं तूने मतलब ऐसा बोले कि मतलब जैसा लड़का है ना मेरे भाई जैसा ही सेम है, सुफियान जैसा ही है, मतलब जो हकीकत है वो ये बता रही हूँ कि उसने ऐसे बताया कि मम्मी सुफियान जैसा ही है सेम, बोले ना कि दरावर गिदी करता है ना कोई दोस्तों में बैठता है, और मैंने आज तक कभी वो गलियों में मतलब दो घंटे में मैं उसको भी देखी भी नहीं थी, पहली बार देखी तो खुद गलियों में तार का टंबक हो रही है। इतना लंबा चलती बहुत बातें हो गई तो बताई नहीं मेरे किसको, तो पहले मैं भाई इसके लिए बोलते, इसके लिए बोलते माँ होना जरूरी है सबकी लाइफ में, माँ एक दोस्त होती है, मैं तो डायरेक्ट आके तो नहीं बता सकती थी कि अब्बा या मैं भाई खींच के दे देते, इसके लिए मैंने पहले माँ को बताई, फिर माँ ने बाप को बताया।
फिर मैंने फिर मैंने इंक्वायरी कर ली तो मालूम पड़ा कि सना की हॉबीज के अंदर ही ये काम करते थे। तो सना से मैंने बात की तो सना ने जाके उनकी ऑफिस में सबने बात की, सबने बहुत तारीफ की, नहीं लड़का माशाल्लाह बहुत अच्छा है, सीधा लड़का है तो कर लो बहुत अच्छा है। लेकिन बाद में इनका रंग असली मालूम पड़ा मेरे को कैसा है। शादी पर तो सभी लगते दिखाते हैं, पहले मम्मी मम्मी आंटी 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 करते अभी घंटी घंटी। अरे एक फोन करने में लोग पास हो रहे हैं। ठीक है, अभी अब्बा से क्वेश्चन है तो अब्बा तुमको जब अब्बा जब तुमने रानी से फर्स्ट टाइम मिले थे तब तुम्हारा एक्सपीरियंस अंकल लोग घर छोड़ के भाग गए थे। तो गाइस रानी जब अफ्रीका से आया था तब अब्बा की फर्स्ट मीटिंग थी, तब उससे पहले जो है इन लोगों ने माने से बिल्डिंग के माने थे इसके अब्बा इसके भाई हमारी बिल्डिंग है ना रेनोवेशन में जाने वाली थी और मेरे ससुरे की जो है ना बेस्ट फ्रेंड है तो फ्रेंड है वो ना बिल्डर ही है। तो मैंने हम लोग ने मम्मी ने बोले तेरे ससुरे से बात करना कि अपनी बिल्डिंग का कुछ हो जाए तो हो जाएगा अच्छा है ये वो। तो हम लोग ने अब्बा से बात की कि है ना है कोई बिल्डर है आने वाला है ये वो। तो मेरे ससुरे ने ना लेके आए थे वो बिल्डर को लेके आए थे तो मेरे ससुरे भी आए और वो बिल्डर भी आए थे। तो अब्बा को तो पता नहीं है वो लोग कौन है। फिर मैं एकदम डर गई बोली अब मालूम पड़ा अंकल ने मुंह से बोल दी मैं तो दानिश का बाप हूँ। क्या मान दानिश को दानिश भी नहीं मानता है। अच्छा बोल रहे थे कि मेरे ससुरो तुम याद है मेरे कुछ हमारी है तेरा समझी होने वाले हैं मैं समझ गया कि कुछ गड़बड़ लगती है लेकिन मैं ऐसा ना कि बातचीत में ऐसा लगे अच्छे थे माशाल्लाह तो ऐसा नहीं बहुत बैठे मुझसे यार भी किया हम लोग ने ऊपर का घर खाली था ऊपर ही बैठे थे लोग बातचीत किए क्या करना क्या नहीं फिर उन्होंने तो अपना अपना बताया फिर हमने मेरा बताया। फिर बाद में मेरे को ऐसा डाउट जाने लगा कि ये कुछ गड़बड़ लगती है मेरे को ये बातें करती है तो मेरे को डाउट किया कि लोग घड़ी घड़ी बोलती थी ये इसके मुंह से कभी निकल जाता था ऐसा वैसा तो मेरी घंटी बज जाती टिंग तो मैं समझ गया थी मैं चलो मैं भी टटोल लू कैसे लोग है शादी उठे जाएगी तो कैसी रहेगी उसके ससुराल में कैसी रहेगी कैसे काम कर क्या करेगी। फिर अचानक जब दानिश मिला तो उससे मिला तो ऐसा लगा मेरे को अपमान किया बॉन्डिंग बन गई थी कि लगता ही नहीं था कि ये मेरा वो दामाद है ऐसा था मेरा बड़ा भाई है ऐसे लगता था मेरा मिला था तो ऐसा लगा कि आप मेरी बेटी सही खुश है और सही जगह पे जा रही है और अल्लाह का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया मैंने। फिर हम लोग की बॉन्डिंग बहुत अच्छी बनी तो बहुत इज्जत देता था बहुत इज्जत है ना अभी भी देता ऐसा नहीं लेकिन अभी दोस्त की तरह इज्जत देता था मैं एक दोस्त की तरह सच बात आई जाती हूं मैं एक दोस्त की तरह और दोस्त की तरह अरे बोलने देगी मेरे को ए रेडियो है ये मैंने चालू होते चालू मैं माशाल्लाह बहुत अच्छा है और मेरी बेटी को खुश है उसको देख के मेरे को बहुत खुशी होती है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी दानिश को हम लोग कैसा लगे दानिश से तुम नहीं वो सब नहीं पूछ चलो अभी मम्मी से क्वेश्चन है कि मम्मी अभी दो साल में दानिश का मतलब नेचर पहले से सही है कि वो तो मेरे से तो जरा भी अच्छा नहीं है ऐसा हाँ जरा भी अच्छा नहीं जैसे नहीं कोई काम करने बहुत अच्छा है तुम लोग जब आते है तो अपना अपन ऐसा लगता है की घर में कुछ रौनक आ गई है अगर हम दो बुढ़ा बुढ़ी रहते हैं दूसरे को देखते हैं और देख के डरते आधी रात को भी फोन करो तुमको फोन भेज देता खाना रिफिल कर दे फट से मार दिया। चलो ठीक है अभी एक लास्ट सेकंड लास्ट है तो लास्ट क्वेश्चन तब तुमको कैसा दामाद चाहिए था
हमने कभी ऐसा सोचा, ऐसा सोचा था हम लोग कि लड़की हमारी खुश रहे, बल्कि गरीब गरीब घर में जाए लेकिन अच्छा खुश रहे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अच्छे घर में अच्छा गरीब घर में गए। लड़की को देना ना तो कभी मेरा रंग सूरत मेरे पास बताओ, मैं तो आज वो सोचा ही नहीं था कैसे कैसे घर में देना क्या करना। मैं तो ये सोचता था मेरी बेटी खुश रहे बस, कहीं भी रहे बस उसको देख के खुशी, मेरे को खुशी होती थी। आज लोग बोलते भी तुमने जो दोनों की करा दी है शादी, तो भी बोलते कि वो एक तुमने अपना वो क्या बोलते है फर्ज तो निभा, उसमें दूसरा भी अच्छा बोलते बोलो तुमने कर लिया, बोले बहुत बहुत कम उम्र में बेटी की भी शादी करा दी, बेटी की भी करा दी और एकदम तुम एकदम सुखी हो गए। अच्छा अभी दो साल में दानिश उन लोगों को कैसा लगा? बोला ना हम लोग ने पहले कैसा था, इज्जत करता था पहले कैसा इज्जत करता, अंकल अंकल अभी बोलता बोलो क्या है, अरे तरीका है कोई शादी हो गई बेटी दे दी है बच्चा हो गया, मतलब नहीं कि इज्जत तुम माँ बाप की छोड़ो। माशाल्लाह घर कितना जितने में नंबर घर हो गया, इसकी जाने के बाद मेरा घर जाएगा। अच्छा जाने के बोल जाने के बाद घर कितना लग रहा है घर में मेहमान जब मानना नहीं पड़ता था करते थे ना जो खुशी थी काको झूठ वो खुशी थी फील करना, मेरी भी बेटी आगे जाके जाएगी फील होगा। मैं तुमने से पूछी रियल बोलूँ, मैं रियल कम मेरे को जरा फील होगा क्योंकि मेरे को मालूम था ना कि तू अच्छे घर में गई है। मेरी मेरी फीलिंग बता शादी पहले भी ये घर में रहती थी दूसरे की तरह होती ना तो फिर मैं लेकिन थोड़ा कीड़ा है ऐसा नाचता फिर। चलो गाइस ठीक है यहाँ का तो इंटरव्यू हो गया, ये लोग को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, दामाद कैसा भी हो एक्सेप्ट कर लिए, एक्सेप्ट कर लिए बेटी खुश है दामाद खुश है। वहाँ पर इंटरेस्टिंग रहेगा क्योंकि आंटी थोड़े वो है दिखाएंगी। हाँ लव स्टोरी मेरे को अभी तक ये पता ही नहीं कि घर में इनने कैसा बताया उधर क्या किया और वो लोग एक्सेप्ट क्यों किए, क्योंकि वो टाइम पे मैं एक बहुत मॉडर्न गर्ल थी, मतलब वेस्टर्न पहन के आती थी घूमती थी बाल में गला था, तो आंटी लोग का रिएक्शन क्या वहाँ पर पता चलेगा, मैं जानता हूँ क्या बोलेगी वो। चलो मैं जानता हूँ नहीं चलो गाइस चलो बस अब चाहते घर से आ चुके हैं हम लोग ये वाले घर पे और अभी हम लोग अभी ये दोनों से भी लेने वाले, लोग एकदम डर गए कि क्या हो रहा है क्या बोले, लोग नॉर्मल बनाते तो यहाँ हम बैठे होते हैं लोग बना लेते, अभी लोग एक पोजीशन में बिठाया हमने, मतलब अभी आप लोग का इंटरव्यू होगा मम्मी अब्बा का इंटरव्यू, ये जानने वाला है न्यूज चैनल में। दानिश और नौशीन के न्यूज में। चलो गाइस अभी चालू करते हैं मम्मी अब्बा के अभी सवाल जवाब, मम्मी अब्बा को कितना मालूम है क्या है क्या नहीं है ना क्या बोलते हैं। तो ये व्लॉग इसके लिए अभी हमारी एनिवर्सरी है कल परसों में तो अभी दो साल हो गए, तो दो साल में मेरे साथ तुम लोग का एक्सपीरियंस क्या है वो तुम लोग को बताना। चलो ठीक तो सबसे अभी क्वेश्चन पापा मैंने क्वेश्चन किया क्वेश्चन पहले मम्मी का सवाल मम्मी का लिए सवाल है मम्मी तुम्हारे नौशीन में ऐसा क्या अच्छा लगा जो तुमने नौशीन को तुम्हारे घर की बहू बनाए। पहली बात तो तेरी पसंद थी और बाकी बात मेरी पसंद
तुझे पसंद किया था, हम लोगों ने तो पसंद कर लिया ना। वैसे नेचर भी ऐसा है, सबको पसंद करती है, सबको अच्छा, सबको सबको पसंद करती है। हाँ, घर में लेते साथ पसंद करती है सबको। ले ले गाइस, नोटिंग ब्रेक पॉइंट। मैं भी क्वेश्चंस करूंगी, अभी भी दूसरा ब्लॉग हो उनका क्वेश्चंस आएंगे नहीं। तो मैं पूछती हूँ अंकल से, क्योंकि मेरे को भी इतने घर में मतलब मेरी स्टोरी अभी तक मालूम नहीं पड़ी मेरे को, मतलब दानिश ने ही मनाया है, दानिश ने ही सब किया, तो मुझे कुछ इतना मालूम नहीं है। तो मैं बता दूँ ये, क्योंकि दानिश बहुत अंदर का बंदर है, मेरे को कुछ बताया नहीं है, सिर्फ बोला कि मैंने हाँ मम्मी को मना लिया, अब्बा को मना लिया, उन्होंने हाँ बोल दी, बट अंदर की कहानी वो मुझे कुछ नहीं मालूम है। तो मैं अंकल से पूछूंगी, अंकल तुमने मेरे लिए हाँ क्यों बोले दानिश को? दानिश उसे हाँ बोला कि दानिश की तुम पसंद थी। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, तो पता लव मैरिज बताया ना, मम्मी का कॉपी पेस्ट ही करेंगे। दानिश की तुम पसंद थी, और नहीं तो अगर मैं सही कर देता तो दानिश बाद में जीत करता, नहीं मैं तो सही करूंगा। नहीं, तुम्हारी जीत कम थोड़ी उनसे। मेरे को सुनाया मेरा, तुमने मेरे को मना किए थे। हां, स्टेडियम में मना ही किया। हां, अभी आई ना सच्ची बात। मना किया बोले इसको क्यों ले रहा है गर्ल बाप, क्योंकि मैं वो टाइम पे जींस वींस पहनती थी। हां, तुमसे बताओ सच्चाई, लोगों को वही जानना है। मना ही किया था मैं, बाकी दानिश माना नहीं, फिर मैं जान लेते ही पसंद है तो हां बोल। अच्छा, जा जा, और बाद में ज्यादा पसंद तब आए, तब मेरी बच्ची आई, आई जो वो तो अभी ऐसे अभी अच्छा मुझे मजा मजा आती झूठे गाइस, ये अंदर की बात नहीं है, ये झूठे हैं। नहीं, इनको ये अपने घर में तो क्यों बाहर जा रहे हैं सर? अच्छा, इनको घर में करा रहे हैं गाइस शादी। दादी से बोला, दादी से बोला मम्मी मैं तुम्हें ना एक मेरे काम करेंगे। बोली क्या? तो बोले मेरे को जो लड़की पसंद है शादी करेंगे। बोले अच्छा ठीक है, तुम देखो एक मेरे को तेरा एक काम करना पड़ेगा तेरे को मेरे लिए। तो बोले क्या? तू का नमाज पढ़ ले। मैं तो लड़की तो कौन सी भी जाकर कबूल करूंगी। तो से मतलब पढ़ जाता नहीं था, छोटा था ना, मतलब समझ नहीं आती थी। अभी भी ना समझी है, अभी भी समझ नहीं है। अभी वो आई है, उसके साथ खेलती है, चलो गाइस ये हो गया। दूसरा सवाल मम्मी से, ये मम्मी तुम्हें को कैसी बहू चाहिए थी? तुम क्या एक्सपेक्ट करते थे, मतलब तुम्हारे घर में कैसी बहू आना चाहिए दानिश के लिए? मेरे तो मेरी बात है ना, मैंने सब तकलीफ उठाई ना, मेरी बहू लोग दो कोई भी तकलीफ ना उठावे, किसकी बच्ची भी मैं लेके आऊँ, मेरे बेटी बन के ही रहे। मतलब ऐसा ना मैं उसको सासपन बताऊँ ना मेरे को बहूपन बताओ, मतलब जैसे ऐसी चीजें मेरे जुल के ज्यादा। इससे मैंने दो बेटियां गई, मेरी दो बेटियां रिटर्न आए, मतलब जैसे भेदभाव नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे अच्छे भी दोनों। तो गाइस ये लोग एकदम सिंपल है और ना ही सिंपल सेंट क्या, मेरे को जानना है। और दानिश ने तुमको कैसा बताया मेरे बारे में? दानिश है ना वो मेरा स्टडी के ना स्टडी में और लोग है ना, वो लोग का ग्रुप था छोकरों के साथ में इसका। तो बोले मम्मी मेरे दोस्त आ रहे हैं। बोले अच्छा ठीक है। वैसे हम आए दिन आते रहते थे, वो दो तीन दोस्त आते रहते थे घर पे स्कूल के लिए कुछ भी लिए। तो बोले मम्मी मेरे को ना दो तीन दोस्त फिर आने वाले हैं, दो तीन दोस्त आने वाले हैं। अच्छा ठीक है। वो तो घड़ी घड़ी में दूसरे दिन तो एक सरी का तवर पकड़ा। मम्मी दो तीन दोस्त आने वाले, मम्मी दो तीन दोस्त आने वाले, वो नई बात थोड़ी है ना, आए दिन मतलब बच्चे लोग आते ही रहते हैं उसके साथ में, तो मुझे से नई बात। वो दो तीन दोस्त गाइस मैं थी, मतलब आते वो फर्स्ट टाइम लड़के, बाकी के लड़कों के साथ भी आता था। मतलब तो बोले बेटा तो घड़ी घड़ी क्यों बोला? तो बोले ऐसे ही बोला तुम्हारे को कभी, तुम ऐसा बोले से तुम वो दोस्त सारे दोस्त सारे। बोले अच्छा, तो नहीं पहली बार हंसिंग वो देगी तो लड़कों की जैसे ही मतलब और बाल गोल्डन लड़की के साथ में, मतलब दोस्त है इसके ये तो साथ में, मतलब एक कॉलेज से सब थे ना तो साथ में आए। तो बोले ये लड़की तो वो दोस्त बोला, दोस्त बोले दोस्ती कहाँ से आई? तो बोले मेरे दोस्त है, कुछ तुम टेंशन मत लो, मेरे दोस्त है, तुम टेंशन मत लो, मेरे दोस्त है। वो तो घड़ी घड़ी दो चीज में क्यों एकदम घड़ी घड़ी और तवज्जो देने को लगा रहा है क्या? तो क्या अगर मैं पसंद करूंगा तो तुम मेरे को करा देंगे ना? वो मेरा देख क्या बिताए क्या नहीं देखते, पर मेरी तरह भी एक काम करना पड़ेगा नमाज के लिए। मैंने वो उसकी दो मेरी सर थी माँ बेटी की, मतलब मैंने मैसेज पढ़ता है अल्हम्दुलिल्लाह। तुमको कब बताया कैंटीन में? बताया लड़की के साथ घूमता है, मतलब सब एरिया के साथ में इनको बतावे तो ध्यान नहीं रखती है ऐसा वैसा। मैं देखो लड़का है उसे पूछ के लिए, अभी अपने जो लड़की माननी दुल्हन बनाने की है फिर छुपाने का क्या? फिर भेजा तुम्हारे घर पे भी गया था वो कहानी उन्होंने बता दी पहले बिल्डर के साथ आए थे। नहीं नहीं नहीं, अभी तो मेरे साथ में घर पे आया था। जब मैं
एक आया था सिर्फ तुम्हारे बाहर का सीन देखने को कौन है? अच्छा घर देखने आए थे मेरा भाई एक ही है ना तुम्हारे अब्बा बाहर बैठे थे अरेंज मैरिज जैसा मैंने पूछी मेरे को भी बता दे तुम्हारे अब्बा बाहर बैठे मैं सीधा निकल गया क्या है क्यों नहीं किसी है क्या है कहाँ रहती है ये सबने बताया था भाई बाइक पे लेके घूमता है करता है तुम मना नहीं करते कर तो नहीं मुझे शादी करना है उसके साथ छुपाने क्या वो मेरा हमेशा कोई भी काम है छुपा के नहीं करती जो भी रहता मेरे डंडे की चोट पे ही होता फिर मैंने एक को पूछा भी मतलब नहीं ना इरफान भाई कहाँ थे इरफान भाई तो इरफान भाई को मैंने पहचान था वो सपना आंटी तो हाँ सपना आंटी तो ये जो बैठे ना वो उनके हस्बैंड ही है जो बहू सोची थी ना मैंने उससे भी अच्छी माशा था अच्छी अलहमदिल्ला अच्छी है भी बच्चे की तरह ही है कोई टेंशन नहीं की बहू है लगता ही नहीं की बहू है ना कभी वो मेरे को मानती की सास हूँ ना मेरे को इसको मानती बहू है अलहमदिल्ला अलहमदिल्ला अच्छी और बहुत से अच्छा स्वभाव मेरी बेटी का है छोटी वाली वो तो ही नहीं है मां जैसी मिलन तो अपने घर का तुम लोग का खेल रहा है वो मां जैसी मां जैसी काले जैसी गई रात को सोते ना दोनों लड़ाई करते बच्ची के लिए छोटी वाली तो मैं चलते वो छोटी लड़की है ना ये बच्ची नहीं इनकी खिलौना है तुम ऐसा क्यों किया मैंने ऐसा क्यों किया मैं क्या बोले क्या मैं ही कर लू देखती तो गाइस चलो इसी के साथ ये खत्म होता है इंटरव्यू यहाँ पर मतलब बहुत ही दम बोलते ना घर कैसा अरेंज वाला है ना यो अरेंज मैरिज जैसा घर था इधर वो लव मैरिज टाइप है ये अरेंज टाइप है तो हो गया इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से हम लोग का सब सेट हो गया था दो साल में हम लोग मतलब दो साल भी हो गए शादी को आंटी का ऐसा था कि दानिश को अफ्रीका से बुला लू फटफट जैसी आएगा वैसी तरह निकाह पढ़ा लूगी तो मेरे को आंटी के ऊपर थी दानिश मना ही करता था शादी के लिए लेकिन आंटी के बोलने पर उसने शादी किया था और बस यही हम लोग के दो साल अल्हम्दुलिल्लाह से खत्म हो चुके हैं और हम लोग ऐसी उम्र पर इंशाल्लाह साथ रहे क्या छोकरी वालों को अपना टाइम बताना पड़ता है दानिश आया नहीं था दानिश की दो बस साल की बोली थी बाकी तो बोले अभी कब करेंगे शादी बता रहे थे हम लोग को तो मैंने क्या बोलिया मेरे दानिश आएगा ना छह महीने में आता है साल भर में आता है दो साल में पता नहीं जब आएगा ना इंशाल्लाह मैं तब मेरे बच्चे की निकाह पढ़ा दूँ ये मेरी जबान थी और अल्हम्दुलिल्लाह ये मैंने खाली से बोली थी तो सब कुछ पकड़ लिया था वो बात को जल्दी शादी कर लो साथ में रहेंगे तो अच्छा रहता है अब मालूम पड़ा बहुत जल्दी कर लिया मेरी फ्रेंड लोग बोलती मत करो अभी आराम से करो घूमो फिरो बच्चा भी मतलब करो घूम फिर के सब करो तभी तुम लोग का ये नहीं था ना यूट्यूब का नहीं था तो कुछ भी नहीं और बताइए तुम लोग शादी भी जैसे अपने खानदान में पापा से तुम लोग जैसे शादी हुई माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से हुई जैसे किसी की हुई नहीं अपने घर सबको देख खानदान किसी की हो गया दोनों फैमिली मिली हुई कैसी ऐसा लग रहा था कि ससुराल वाले नहीं है घर अब्बा भी वही तारीफ करते बोले मैं सच्ची बोलूँ तो मेरे दिल में ऐसा है था ही नहीं कि तू किधर जा रही है मैं कहता था अपने घर पे ही जा रही है बोले मेरे को टेंशन ही नहीं था बाकी बता नहीं कैसा है वैसा है कहाँ पहले तो रिश्ते में आते हैं तो समझ जाते तो ऐसा भार भार नहीं वो किस्मत की बात होती है जो भी रहता है नहीं रिश्तेदार भी जमती है ना अपन में चाचा बड़े आपस में कटासपन हो जाते और बोलो बाहर इंशाल्लाह होगी इतनी अच्छी जमके बॉन्डिंग जमके दोनों फैमिली जमे जमीन हम लोग जमा दिए चलो गाइस इसी के साथ ब्लॉग एंड करते हैं आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब और गाइस मैं ये बता दूं कल के ब्लॉग के लिए एक्साइटेड रहना क्योंकि बहुत ही अलग होने वाला है वो आप लोग को सबको कल ही मालूम पड़ेगा तो मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट ब्लॉग में थैंक यू